Okay, so in last lecture, we have studied about the virtual based classes and how it works. We have already studied in with examples of 3 to 4 examples of virtual based classes. So the next topic is constructor in derived classes. Okay, so already we have studied about the constructor. What is constructor? What is destructor? So anyone can tell me what is constructor? And what are the properties of constructor? Anyone, fast. What are the properties of constructor? What? Constructor have? Same name as class name. Okay, good. Constructor have same name as class. It should be in public section. Okay, good. Again. It is used to create a memory location. Okay, we can call it as. Again. What is the main difference between constructor and function? They don't have return type. Okay, good. Constructor don't have return type. Again. Fast, fast. Type your answers in chat box. They can't return values. Okay, we don't invoke constructor. Okay, we don't invoke constructor. Okay, that is okay also. But when constructor invokes, if we do not invoke constructor, then when it invokes, they can't return value. Okay, value return, koi return type nahi hai, to value bhi return nahi karega. Correct. As soon object is created, good. So constructor invokes when the object is created. Jab hum object create karenge, tab automatically aapka constructor कॉल होगा एंड उसके अंदर जो भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए होंगे वो रन होगा एज सून एज जब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा ऑटोमेटिकली उसके जो भी ऑपरेशंस रहेंगे वो परफॉर्म होंगे डिपेंड ऑन द पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल किए जाएंगे मीन्स अगर आप मल्टीपल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाते हो समझो उसमें दो पैरामीटर्स है सो पैरामीटर्स दो होने के बाद वहां पे हम क्या कर सकते हैं उसके जो भी पैरामीटर्स है उसके साथ ही उसके जो वैल्यूज है हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वैल्यूज देंगे वो मैच करना है मीन्स अगर दो पैरामीटर्स है और इंटीजर टाइप के है तो दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप के होने चाहिए तभी वो मैच होगा एंड तभी वो कॉल होगा देन अगर एक फ्लोटिंग वैल्यू है एक सॉरी इंटीजर वैल्यू है सो देन वी हैव टू प्रोवाइड वन फ्लोटिंग वैल्यू एंड वन इंटीजर वैल्यू then only we can call parameter as constructor then अभी देखो constructor आपको पता है constructor के बारे में आपको पता है so constructor in derived class our next topic is constructor in derived class अभी constructor जो है वो हमारे class के अंदर रहता है कभी भी हमने अगर देखा होगा तो constructor अगर एक class है xyz नाम का तो एक्स वाई जेड नाम के कंस्ट्रक्टर हम उसी क्लास के अंदर बनाते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हम बना सकते हैं लेकिन उसी क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं सो यहाँ पे अभी क्या कंसेप्ट हो रहा है अभी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है जिसमें हम बेस क्लास एंड डिराइव क्लास यूज कर रहे हैं सो कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास मीन्स बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हम डिराइव क्लास के अंदर कॉल कर रहे हैं या फिर अभी अगर आप देखोगे तो इनहेरिटेंस के जब भी प्रोग्राम हम करते हैं सो वो प्रोग्राम करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है
कि आपके जो भी इनहेरिटेंस की हायरार्की है, मींस अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है तो ए क्लास होगा, बी क्लास होगा, सी क्लास होगा, और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो सी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इट इन्वोक्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑटोमेटिकली इन्वोक्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सो अगर हमें ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हमारे पास ए क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर हमें बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हमारे पास बी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर हमें सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हमें सी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नॉर्मली नॉर्मली जो हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर देखा है उसमें, अगर आपके पास ए क्लास है तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर ए क्लास का ही ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, बी क्लास का होगा तो बी क्लास का ही ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, देन सी क्लास का अगर कंस्ट्रक्टर होगा तो सी क्लास के थ्रू ही हम उसे कॉल कर पाएंगे। लेकिन अभी कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास, तो इनहेरिटेंस में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सबसे जो लास्ट वाला डिराइव क्लास रहेगा जिसके अंदर हम सभी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मीन्स कंस्ट्रक्टर जो हमारा बेस क्लास में रहेगा वो हमारे डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास। जो भी कंस्ट्रक्टर है वो डिराइव क्लास में आप कॉल करोगे, उसमें उसके थ्रू ही आप वहां पे कॉल कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज भी है किस तरीके से, द डिराइव क्लास नीड्स नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर एज लॉन्ग एज द बेस क्लास हैव अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट दिया है यहाँ पे उसमें क्या मेंशन किया है, द डिराइव क्लास नीड नॉट हैव कंस्ट्रक्टर एज लॉन्ग एज द बेस क्लास हैज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अभी मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बता दिया था, एंड नो आर्गुमेंट मीन्स जिसके इसमें पैरामीटर्स नहीं है ऐसा कंस्ट्रक्टर। तो क्या कहा है यहाँ पे कि डिराइव क्लास में तब तक जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर की जब तक आपका बेस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, मींस नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जब तक नहीं है तब तक आपको डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। मींस अगर आपके बेस क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो आपको डिराइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है सिंपल लैंग्वेज में। देन हाउ एवर इफ द बेस क्लास हैज कंस्ट्रक्टर विथ आर्गुमेंट वन और मोर, अगर आपके बेस क्लास में कोई आर्गुमेंटल कंस्ट्रक्टर मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, वन और मोर पैरामीटर है उसमें, देन इट इज मैंडेटरी फॉर द डिराइव क्लास टू हैव अ कंस्ट्रक्टर एंड पास द आर्गुमेंट टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है बेस क्लास में तो आपको कंपल्सरी डिराइव क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, एंड उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपको बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट्स पास करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या था हमारा, जिसमें अगर आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बेस क्लास में तो आपको डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स जिसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, ये अगर कंसीडर करो एक ए नाम का क्लास है आपका, सॉरी ए नाम का एक क्लास है हमारा, तो इसका एक ए नाम का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ओके सो ए नाम के क्लास को ए नाम का कंस्ट्रक्टर, तो जिसमें पैरामीटर्स नहीं है मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर्स अगर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मीन्स ए क्लास का हमारा ये कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने तो उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है तो ये डिफॉल्ट हो गया। सो अगर आपके बेस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो आपको डिराइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट होगा तो डिराइव क्लास के अंदर बनाने की जरूरत नहीं। मीन्स अगर आपके पास बी क्लास है तो बी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके जो भी आपका ए क्लास का कंस्ट्रक्टर है, जो भी आपका ए क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके यहाँ पे अगर पैरामीटर्स है,
कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स मीन्स आपके बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में अगर पैरामीटर्स है वन और मोर, कितने भी रहे वो, एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, पांच रहे, कितने भी पैरामीटर्स रहे, अगर इस तरीके का कंस्ट्रक्टर आपके बेस क्लास में अवेलेबल है तो कंपलसरी मैंडेटरी आपको बी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। एंड उसमें इसमें जितने आपके पैरामीटर्स दिए हैं उतने पैरामीटर्स के वैल्यूज यहाँ पे पास करना पड़ेगा, वैल्यूज रहे या फिर पैरामीटर्स उतने पास करना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? पहला पॉइंट, जिसमें अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा बेस क्लास में तो डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जिसमें अगर ए क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स पास किए गए हैं तो बी क्लास में कंपलसरी आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ओके देन देन द थर्ड वन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव क्लास इज क्रिएटेड, मीन्स ये अगर आपका डिराइव क्लास है बी, तो उसका जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास मीन्स जो आपका ये ए है वो ए क्लास का जो कंस्ट्रक्टर रहेगा वो एग्जीक्यूटेड फर्स्ट मीन्स पहले एग्जीक्यूट होगा। एंड द लेटर द कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव क्लास मीन्स पहले आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन ओनली आपका बेस क्लास का जो भी सॉरी डिराइव क्लास का जो कंस्ट्रक्टर रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। तीनों पॉइंट सबको समझ में आ गया? चैट बॉक्स में यस और नो डालो। समथिंग किसी ने तो भी कुछ तो देखे ना, सो सौरभ राजपूत आपने क्या डाला है? ये कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, इंटीजर फ्लोट इंटीजर, यस ये मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स है। सो उसके ऊपर क्या करना है हमें? ऑपरेशंस कोई स्पेशल मेंबर फंक्शन फिर दे, क्या आर स्पेशल मेंबर फंक्शंस? ओके यस 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 ओके गुड। तो सबको समझ में आ गया तीनों पॉइंट्स? क्लियर हो गए सबके? कोई एक बताओ मुझे फर्स्ट पॉइंट में क्या था, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए तो आगे वाले जितने भी एग्जाम्पल्स आप देखोगे वो सभी एग्जाम्पल्स इजीली समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा द डिराइव्ड क्लास नीड नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर एज लॉन्ग एज द बेस क्लास हैज अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। जब तक हमारे पास बेस क्लास के अंदर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है तब तक हमें डिराइव क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, मीन्स कंपलसरी नहीं है कि आप वहां पे कंस्ट्रक्टर बनाओ अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बेस क्लास में है तो। देन द सेकेंड वन इज हाउएवर इफ द बेस क्लास हैज कंस्ट्रक्टर विथ आर्गुमेंट वन और मोर देन इट इज मैंडेटरी फॉर द डिराइव क्लास टू हैव अ कंस्ट्रक्टर एंड पास द आर्गुमेंट टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर आपके बेस क्लास में मीन्स आपका जो पहला क्लास रहेगा उस क्लास के अंदर अगर पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर है तो मैंडेटरी हमें डिराइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है जो कि वो भी पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर रहेगा जो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा विथ आर्गुमेंट्स। देन द थर्ड वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास इज क्रिएटेड। जैसे इनहेरिटेंस में हम हमेशा डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तब सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ही डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके तीनों पॉइंट्स क्लियर? देन द नेक्स्ट, सो यहाँ पे देखिए अभी कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लासेस दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है नो कंस्ट्रक्टर इन द बेस क्लास एंड डिराइव क्लास। अगर दोनों में बेस क्लास में भी कंस्ट्रक्टर नहीं है डिराइव क्लास में भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो हमारा नॉर्मल जो इनहेरिटेंस के प्रोग्राम हमने देखे वही होंगे। सेकंड वन कंस्ट्रक्टर ओनली इन बेस क्लास, सो कंस्ट्रक्टर इन जो भी होगा आपका जो बेस क्लास में सिर्फ आपका ओनली बेस क्लास के अंदर है। तो एग्जाम्पल में देखो क्लास ए पब्लिक
जैसे कि हमने कहा था कंस्ट्रक्टर हमारा पब्लिक पोर्शन में होना चाहिए, तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर ए क्लास का, जैसे अगर एक क्लास का कंस्ट्रक्टर है तो क्लास नेम इज ऑलवेज सेम एज कंस्ट्रक्टर नेम। सो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर है तो ए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया है। देन उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट किया है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। देन क्लास बी इनहेरिट पब्लिक ए, क्लास बी पब्लिक ए को इनहेरिट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे बेस क्लास कौन सा है। फर्स्ट मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आंसर आप आपके चैट बॉक्स में डालते जाओ, बेस क्लास कौन सा है यहाँ पे। एंड डिराइव क्लास, एम आई ऑडिबल टू ऑल। ओके सो विच वन इज द बेस क्लास एंड विच वन इज द डिराइव क्लास इन दिस करंट प्रोग्राम। बेस क्लास पब्लिक एंड डिराइव क्लास बी। ओके गुड, सो बेस क्लास, ये प्रोग्राम में बेस क्लास है आपका ए एंड डिराइव क्लास है आपका बी। तो डिराइव क्लास के अंदर क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, डिराइव क्लास सिर्फ डिक्लेयर किया है क्लास बी पब्लिक ए, पब्लिक सेक्शन बना दिया है, लेकिन उसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, कोई भी नहीं, मीन्स कंसिडर करो कि ये हमारा जो भी प्रोग्राम हम अभी तक कर रहे हैं, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो भी कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसमें बना देता है, बाय डिफॉल्ट बना देता है, कोई उसकी जरूरत नहीं है या आपको वो दिखेगा भी नहीं, आपको उसका फंक्शनिंग भी नहीं रहेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला रहता है, जिसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं रहते हैं। जैसे कि ये अगर आप ए का जो कंस्ट्रक्टर देख रहे हो, यहाँ पे हमने क्या किया है, बॉडी प्रोवाइड किया है, सी आउट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास बी इज एग्जीक्यूटेड। तो इसी तरीके का एक कंस्ट्रक्टर बनता है जब हम नॉर्मल प्रोग्राम भी करते हैं तब, तो उसमें ये स्टेटमेंट्स नहीं रहता है सी आउट वाला, सिर्फ जो कंस्ट्रक्टर है वो बन जाता है। एंड हेलो, एम आई ऑडिबल? सो क्या बता रहा था ये मैं कि सी आउट अगर लिखा है यहाँ पे तो इस तरीके का कुछ लिखा नहीं रहता है, लेकिन एक ब्लैंक जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है अगर आप कोई प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं लेते हो तो, उसके अंदर कोई फंक्शनिंग नहीं रहता है। जब ऑब्जेक्ट बनाते हो ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है, लेकिन वो इंटरनली कॉल होता है, आपको दिखता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली ये ए क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो बना दिया है, ए क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो हमने यहाँ पे बना लिया है। लेकिन बी क्लास में अगर देखोगे जो डिराइव क्लास है, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे अगर आप बी क्लास देखोगे, यहाँ से आपका ये बी क्लास है, तो यहाँ के इसके अंदर सिर्फ पब्लिक लिखा है, कोई कंस्ट्रक्टर बनाया गया नहीं है। सो यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है बी, और इस तरीके का कंस्ट्रक्टर होता है आपका एक बी क्लास के लिए भी, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो इंटरनली कॉल होता है। ठीक है, हमें दिखता नहीं है लेकिन इंटरनली कॉल होता है। इसीलिए हमारा जो पहला पॉइंट था, तीन पॉइंट जो देखे थे हमने, पहला पॉइंट था कि अगर आपके पास बेस क्लास के अंदर कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है तो हमें उसके डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करता है, वो कंस्ट्रक्टर बना देता है। सो ये हो गया, नॉर्मली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंटरनली बन जाएगा। देन वॉइड मेन, मेन में हमारा क्या किया, हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है। सो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में क्या था हमारा, आर्गुमेंट वाला, तो चलो ये छोड़ दो सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था हमारा कि जब भी हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, मीन्स यहाँ पे जैसे हमने बी का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑटोमेटिकली सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सबसे पहले हमारा बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मीन्स यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा,
नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास बी इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, मींस ये आपका ए का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, उसके बाद बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन बी का कंस्ट्रक्टर को हमने बॉडी प्रोवाइड नहीं किया है, तो आपको आउटपुट में कुछ शो ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट आएगा, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास बी इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, बेस क्लास ए होना चाहिए वहां पे, बी इज एग्जीक्यूटेड लिखा है। सो यहाँ पे कमेंट में दिया है, देखो एक्सेसेस बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। तो ये समझ में आया गया, सबसे पहला पॉइंट है जो कंस्ट्रक्टर ओनली इन बेस क्लास, मीन सिर्फ बेस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, डिराइव क्लास के अंदर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर ओनली इन अ डिराइव क्लास, अभी बेस क्लास में पहले था, अभी कंस्ट्रक्टर डिराइव क्लास के अंदर है, ठीक है, मीन्स आपके बेस क्लास के अंदर अभी कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, एक ए क्लास बनाया है, जैसे हमने वहां पे बी क्लास बनाया था जिसमें कुछ भी ऑपरेशंस नहीं थे, इसमें ए क्लास बनाया है, देन डिराइव क्लास बी है यहाँ पे, जहां पे हमने बी का कंस्ट्रक्टर बनाया है एंड उसमें लिखा है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास बी इज एग्जीक्यूटेड, वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी दिया है। सो यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो, ऐसे कोई नहीं। सो यहाँ पे क्या किया है आपने, एक ए क्लास का कंस्ट्रक्टर, ए क्लास बनाया है, बी क्लास बनाया है, उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्टर दिया है एंड अगेन सेम कॉलिंग किया है बी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले इंटरनली, ये मैं इंटरनली क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फंक्शनिंग जो है वो इंटरनली होते रहता है, वो दिखता नहीं है। सो यहाँ पे भी सबसे पहले कॉल होगा ए क्लास का कंस्ट्रक्टर, लेकिन यहाँ पे ए क्लास का कंस्ट्रक्टर दिया नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो इंटरनली कॉल होगा, उसके बाद कॉल होगा आपका बी क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमारा जो रूल है कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास का, उसमें अगर आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले बेस क्लास कॉल होता है, उसके बाद हमारा डिराइव क्लास कॉल होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर आपको आउटपुट दिखाएगा, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास बी इज एग्जीक्यूटेड, ये आपको स्टेटमेंट आउटपुट में दिखाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद डिराइव क्लास का। तो अभी बेस क्लास में तो यहाँ पे दिख रहा नहीं है, हमारा कंस्ट्रक्टर कोई है नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट रन होके फिर नेक्स्ट ये रन हो जाएगा बी क्लास का कंस्ट्रक्टर। दोनों क्लास समझ में आ गए आपको, यस और नो? ओके, सो द नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर इन बोथ बेस एंड डिराइव क्लास। जैसे मैंने कहा था कि दोनों क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बेस क्लास में भी हो सकता है एंड डिराइव क्लास के अंदर भी हो सकता है। सो अभी यहाँ पे किस तरीके का आउटपुट आएगा मुझे बताओ, क्लास आपका एक बेस क्लास है, बी आपका डिराइव क्लास है एंड आपका वॉइड मेन फंक्शन है, दोनों क्लास के अंदर यहाँ पे आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, मीन्स कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, मैंने उसमें उसके अंदर एक एक स्टेटमेंट भी प्रिंट किया है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास ए एग्जीक्यूटेड, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास बी इज एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा मुझे चैट बॉक्स में डालो चलो फास्ट, या फिर माइक ऑन करके भी बता सकते हो आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, ए एंड देन बी, गुड गुड गुड, ए गुड। तो यहाँ पे किस तरह कैसे रन हो रहा है हमारा, जैसे ऑब्जेक्ट हमने बी का बना दिया, ऑटोमेटिकली पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड आपको आउटपुट में दिखाई देगा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास ए एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। देन उसके बाद बी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, देन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास बी इज एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, तो पहला स्टेटमेंट पहले आएगा, दूसरा स्टेटमेंट बाद में आएगा, ये हो गया फोर्थ टाइप उसका प्रोग्राम। देन अगेन द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, फिफ्थ में क्या दिया है देखो,
मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन बेस क्लास एंड अ सिंगल कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। अभी देखो क्या बोल रहा है वो, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन बेस क्लास, बेस क्लास के अंदर वन और मोर कंस्ट्रक्टर्स है, एंड सिंगल कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास मीन डिराइव क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर है। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट था उसमें क्या दिया था, अगर मल्टीपल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के अंदर है तो हमें डिराइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर देना जरूरी है। सो देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्लास ए पब्लिक ए एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, एंड अगेन एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें एक पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, ओके, एंड उसमें भी एक स्टेटमेंट प्रिंट किया कर दिया है। देन आपका डिराइव क्लास है जो क्लास बी है, पब्लिक ए से डिराइव हो रहा है, देन पब्लिक बी के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है जो कि एक पैरामीटर वाला है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर सेम आ रहा है, मीन्स ए क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें इंटीजर ए वैल्यू है एंड बी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें इंटीजर बी वैल्यू है, तो दोनों में हमारे पास क्या है, सेम आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था उसमें जो प्रॉपर्टी दी थी कि हमारे बेस क्लास के अंदर अगर मल्टीपल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है तो सेम डिराइव क्लास में होना जरूरी है, मैंडेटरी है, तो इसीलिए यहाँ पे ए क्लास के अंदर पैरामीटराइज बनाया है, सेम उसी तरीके से बी क्लास के अंदर भी एक पैरामीटराइज बनाया गया है, एंड डिराइव क्लास के थ्रू उसको वैल्यू असाइन करना जरूरी है। वही हमने मेन मेथड में देखो, बी ओ बी एंड ब्रैकेट में तीन नंबर वैल्यू आपको पास किया गया है। सो तीन नंबर वैल्यू पास किया है मीन्स क्या है, आपका तीन नंबर कहाँ पे पास होगा, ए को पास होगा, एंड देन तो यहाँ पे देखो अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपका, यहाँ पे कॉलिंग किस तरीके से होगा, आउटपुट सबसे पहले कॉल होगा आपके बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, एंड देन होगा आपका डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले आपका बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास ए, एंड देन डिराइव क्लास के अंदर आ जाएगा क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट किसका बनाया है हमने, डिराइव क्लास का, तो कॉल होगा पहले आपका बेस क्लास का एंड देन डिराइव क्लास का, मीन्स नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास ए एंड वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द डिराइव क्लास बी, इस तरीके से आंसर आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपका जो सेकेंड नंबर का प्रॉपर्टी था उसके हिसाब से हमने डिराइव क्लास के अंदर कॉल नहीं किया है एक ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को, इसीलिए ये जो तीन वैल्यू है ये आपके बी को पास होगा, यहाँ पे पास होगा बी के अंदर, बी इंटीजर ए में पास होगा, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसको हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया है, यहाँ से हमें कॉल करना पड़ेगा तभी ये कॉल होगा, तब तक ये कॉल नहीं होगा। सो डिफॉल्ट तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एंड उसके बाद आपका बी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में देखो आपके क्या आ रहा है, यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बेस क्लास एंड दी वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ दी डिराइव्ड क्लास, मीन्स मैंने जैसे कहा था कि बेस क्लास का जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है वो कॉल नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। द नेक्स्ट वन इज देखिए यहाँ पे क्या किया है, कंस्ट्रक्टर इन बेस एंड डिराइव क्लासेस विदाउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इन बेस क्लास एंड डिराइव क्लास विदाउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अभी वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, यहाँ पे भी एरर आएगा आपको आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्लास ए उसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, और हमारा पहला पॉइंट था कि अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के अंदर है तो डिराइव क्लास में बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक पॉइंट फिर से ऐड कर लो कि अगर आपके बेस क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपको आउटपुट में एरर आएगा, एरर आएगा। उसी प्रोग्राम को मैंने जो लास्ट प्रोग्राम अभी दिखाया था उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था लेकिन पैरामीटराइज नहीं हो रहा था, यहाँ पे डिफॉल्ट अगर आप निकाल दोगे तो डिफॉल्ट भी कॉल नहीं होगा तो एरर आएगा, आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपलसरी वहां पे देना पड़ेगा ही, ठीक है।
उसके ऊपर भी सॉल्यूशन है। अभी ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, सिंपल है। इसमें हमने क्या डिफॉल्ट निकाल दिया था, इसीलिए एरर आ रहा है क्योंकि डिफॉल्ट को कॉल नहीं हो रहा है। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट इनवोकेशन इन द अब्सेंस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, पैरामीटराइज नहीं हो रहा था। अभी दोनों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है हमें, तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन, एक्सप्लिसिटली कॉल करो हमारे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से कॉल किया है, यहाँ पे भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है लेकिन हमने उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल दिया है। तो यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर है, देन क्लास बी के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है एंड एक्सप्लिसिटली हमने इसको इन्वोक किया है। यहाँ पे दिख रहा है सबको, ए इन ब्रैकेट ए, बी इंटीजर ए इन ब्रैकेट ए। तो यहां से हम एक्सप्लिसिटली क्या क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। देन मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वैल्यू जैसे पास होगा, देखो अभी इसमें जैसे वैल्यू पास हो रहा है वो कॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो आउटपुट में क्या आ रहा है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास ए, मीन्स पहला स्टेटमेंट जो है आपका ये एग्जीक्यूट हो रहा है। देन वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द डिराइव क्लास बी, तो डिराइव क्लास का भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है। मीन्स अभी आपके दोनों एरर्स निकल गए, पहला एरर था जिसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉल हो रहा था लेकिन पैरामीटराइज नहीं हो रहा था, दूसरे इसमें हमारे पैरामीटराइज डिफॉल्ट निकाल दिए तो एरर आ रहा था। सो इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि एक्सप्लिसिटली कॉल किया है हमने, एक्सप्लिसिटली वैल्यू पास कर दिया है ताकि हमारा ये जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाए। ठीक है, सबको समझ में आ गया। देन फिर से अभी इसके ऊपर एक नेक्स्ट प्रोग्राम है, कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेड क्लास विथ डिफॉल्ट इनवोकेशन। देखो कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसमें मल्टीपल बेस क्लासेस होते हैं एंड वन सिंगल डिराइव क्लास होता है। सो यहाँ पे मल्टीपल बेस क्लासेस कौन से आपके, एक वन पी वन, ये दोनों क्या है आपके बेस क्लास है एंड क्लास बी इज अ डिराइव क्लास जो कि हमारे पब्लिक ए टू एंड ए वन से कॉल हो रहा है। सो यहाँ पे भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर से हर एक इसमें और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ए वन में भी है, बी वन बी टू ए वन सॉरी ए टू में भी है एंड बी में भी है। अगेन यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाया गया है हमने, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जैसे बन जाएगा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा आपका। इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ जल्दी, इसका आउटपुट क्या आएगा, फास्ट 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 माइक शुरू करो फटाफट से, कोई भी आउटपुट किस तरीके से कॉलिंग होता है, ए टू ए वन बी। ओके गुड कुणाल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है आपको, कौन सा, क्लास बी पब्लिक ए टू पब्लिक ए वन, जिस तरीके से ये स्टेटमेंट लिखा होगा उस तरीके से कॉलिंग होगा। तो सबसे पहले जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हम डिराइव क्लास के अंदर जाएंगे, डिराइव क्लास के अंदर जाने के बाद देखेंगे कि ये कहाँ से बेस क्लास इसके कौन से ए टू है ए वन, तो सबसे पहले ए टू कॉल किया है यहाँ पे, इसीलिए हम कहाँ पे जाएंगे, ए टू का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे एंड देन ए वन कॉल किया है तो उसके बाद ए वन का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे एंड देन डिराइव क्लास में वापस आके डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। मीन्स आउटपुट में क्या आना चाहिए आपका, देखो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास ए टू, सबसे पहले ए टू आया देखो, उसके बाद नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ए वन एंड देन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव क्लास बी। तो जिस तरीके से आपने लिखा होगा उस तरीके से कॉलिंग होगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेड क्लास विथ एक्सप्लिसिट इनवोकेशन। ओके कितना टाइम हुआ है,
क्या बताया गया है आपका, कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास विद एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन। अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, इम्प्लिसिटली इन्वोकेशन किया था, अभी एक्सप्लिसिटली इन्वोकेशन किया है यहाँ पे। मीन्स जैसे हमारा पिछला प्रोग्राम था उसी तरीके का प्रोग्राम है, लेकिन उसमें क्या किया है, सिर्फ चेंजेस ये यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कॉल किया है। देखो बी ए इन ब्रैकेट बी ए टू एंड ए वन, मीन्स ए टू एंड ए वन का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये एक्सप्लिसिटली हो गया। वो इम्प्लिसिटली हुआ था, जो ऑटोमेटिकली कॉल हुआ था, ये एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली कब काम आता है, जनरली जब हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं तब। यहाँ पे तो अभी कोई आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन जब हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे तब हमें एक्सप्लिसिट जरूरी रहता है कॉलिंग। देन कंस्ट्रक्टर इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस देख लिया, अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखना है। इसमें क्या है आपका, क्लास ए एक है, देन क्लास बी ए से इनहेरिट हो रहा है, देन क्लास सी बी से इनहेरिट होना है, मीन्स ए उसके नीचे बी उसके नीचे सी, ठीक है। देन क्या किया है, हर एक इसमें एक एक कंस्ट्रक्टर है। क्लास ए के अंदर ए वन नाम का कंस्ट्रक्टर है, बी के अंदर बी नाम का कंस्ट्रक्टर है, सी के अंदर सी का कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ए वन नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लास नेम इज ऑलवेज सेम एज कंस्ट्रक्टर नेम। सो कंस्ट्रक्टर सॉरी कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम एज क्लास नेम। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, ओके सॉरी ए होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर ए, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बी, सी क्लास का कंस्ट्रक्टर सी, ऐसे तीन कंस्ट्रक्टर एंड उसके अंदर एक एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है। सो यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सी का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो देखे आउटपुट क्या आता है उसका, सबसे पहले क्या कॉल होता है हमारा आउटपुट में, बेस क्लास, देन उसके बाद नेक्स्ट वन डिराइव्ड क्लास एंड उसके बाद नेक्स्ट वन। तो कंस्ट्रक्टर मल्टी लेवल में किस तरीके से होता है, देखो जैसे आप सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, सबसे पहले सी में जाएगा, उसका बेस क्लास कौन सा है, बी में जाएगा, उसका बेस क्लास कौन सा है, ए में जाएगा, एंड सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो ये पाथ समझ में आ गया सबको, सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद बी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड उसके बाद सी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये आपका आउटपुट आएगा, यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास ए, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास बी, एंड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव क्लास सी। यहाँ पे बेस क्लास क्यों लिखा है, वहां पे डिराइव का बेस ये है, तो पहले ए एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद बी, उसके बाद सी एग्जीक्यूट होगा, ओके। देन डिस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास, तो यहाँ तक हम देखते हैं, आगे का जो है नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। सो इतना समझ में आएगा सब लोगों को।